क्योंकि ब्रिटेन में जिस तरह से सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद लेबर पार्टी से चुनाव हार गई, इसके कुछ घंटे बाद ही भारतवंशी ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लेबर पार्टी के 61 साल के क्वीन स्टार्मर देश के 58वें प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं लेबर पार्टी को 650 में से 452 सीटें मिली हैं, तो वहीं कंजर्वेटिव पार्टी 121 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये कंजर्वेटिव पार्टी की पिछले 200 सालों में सबसे बड़ी हार है। वहीं सुनक ने हार स्वीकार कर पार्टी से माफी मांग ली है। उन्होंने स्टार्म को भी फोन कर ये जीत की बधाई दी है। वहीं नए PM यानी कि कीर स्टार्मर को लेकर भी जिस तरह से पर्सनालिटी सुनक से एकदम उलट है। हालांकि भारतवंशी सुनक जहां खुद को धार्मिक बताते रही हैं, तो वहीं स्टार्मर भगवान में यकीन नहीं करते हैं। वो सुनक की तरह अरबपति भी नहीं है और ब्रिटेन में इस बार कुल 19 भारतवंशी नेताओं को जीत हासिल मिली है। इससे पहले 2019 में 15 और 2017 में 10 भारतवंशी नेताओं को जीत हासिल हुई। स्टार्मर ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रचेल रीव्स को वित्त मंत्री बनाया है। वो इस पद को हासिल करने वाली पहली महिला है। इसके अलावा एंजेला रेनर को उप प्रधानमंत्री का पद मिला है।